नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। कर्नाटक, पिछले 24 घंटों में 967 नए कोरोना संक्रमित, 921 हुए डिस्चार्ज, 10 की हुई मौत। कलबुर्गी नगर निगम चुनाव में भाजपा को झटका, जेडीएस बनी किंग मेकर। जेडीएस ने कांग्रेस को समर्थन देने का निश्चय किया। जेडीएस ने अपने सभी नव निर्वाचित सदस्यों को बेंगलुरु के एक रिसोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। यादगिरी, डेढ़ साल बाद आए छात्रों के स्वागत में पलक पावड़े बिछाए, शिक्षकों ने विद्यार्थियों को पेन, मास्क और नोटबुक वितरित की। कर्नाटक, गणेश जुलूस के दौरान पुलिस और बजरंग दल कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, समूह ने कथित तौर पर एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को धक्का दिया जो आयोजकों को लाउडस्पीकर और डीजे बंद करने का निर्देश दे रहे थे। बीदर, चिकबल्लापुर, गदग, हावेरी, रामनगर और यादगिरी में शून्य संक्रमण और शून्य मौतें दर्ज की गयी। कर्नाटक, नागरहोल टाइगर रिजर्व के संरक्षित क्षेत्रों से आदिवासियों के पुनर्वास में तेजी लाएगा। दिल्ली में बारिश ने मचाई आफत, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में भी भरा पानी, ऑरेंज अलर्ट जारी। सरकार ने तीसरी लहर को लेकर चेताया, कहा किसी तरह की ढिलाई नहीं कर सकते। दिल्ली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता को मारी गई थी सिर में गोली। दिल्ली पुलिस ने सुसाइड करने जा रहे शख्स को बचाया, आयरलैंड के फेसबुक ऑफिस से आया था कॉल। जबलपुर, एमपी में मिस्ट्री फीवर की दस्तक, बुखार के साथ अचानक घट रही है मरीजों की प्लेटलेट्स। समाजवादी पार्टी पूर्व सांसद फूलन देवी की लगाएगी मूर्ति, 20 सितंबर को रायबरेली में होगा अनावरण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का किया शुभारंभ, कहा न्यायपालिका में बढ़े महिलाओं की भागीदारी। हिमाचल में खाई में गिरी कार, बीजेपी विधायक सुरेंद्र शौरी सहित 7 घायल। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में ज्योति की संदिग्ध मौत, लोगों का गुस्सा फूटा, थाने का घेराव, पठानकोट मंडी हाईवे जाम। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई 2+2 वार्ता में सामरिक सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। मुंबई, साकिनाका की रेप पीड़िता ने अस्पताल में तोड़ा दम, हुई थी निर्भया जैसी दरिंदगी। उत्तराखंड में भूकंप के झटके, रेक्टर पैमाने पर 4.6 रही तीव्रता। लॉकडाउन के दौरान बिहार के सोनू नामी मजदूर के खाते में आए 25 करोड़ रुपए, अब निगरानी की रडार पर। गुरुग्राम, काम वाली रखने की बात से भड़की इंटीरियर डिजाइनर बहू, सास के साथ की मारपीट, डॉक्टर बेटा पहुंचा थाने। तालिबान को अब नहीं भा रहा पाकिस्तान का दखल, आईएसआई चीफ के खिलाफ नाराजगी जताते कमांडर का ऑडियो वायरल। पाकिस्तान के हाथ लगा अफगान सरकार का सीक्रेट डेटा, काबुल से दस्तावेज लेकर निकले 3 विमान। तालिबान की कथनी करनी में फिर दिखा फर, पहले माफी दी और फिर बच्चों के सामने ही कर दी फौजी पिता की हत्या। परपोते की उम्र के लड़के से दादी ने रचाई शादी, फिर लाइव किया होटल के कमरे से वीडियो। यूएनएससी के पास है 2593 की ताकत, तालिबान के आतंकी नेताओं की छिन सकती है कुर्सी। केपी एक्सप्रेस में आज इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।